उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक युवक की हत्या के बाद भड़की हिंसा के मामले में 5 आरोपितों को गुरुवार को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। भागने की कोशिश कर रहे 2 आरोपित मुठभेड़ के दौरान घायल हो गए। सीनियर पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मुठभेड़ के वक्त आरोपित नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे। आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनके जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू, इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई, और वहाँ पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज़ हुई थी उसको लोडेड हालत में रखा गया था, और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहाँ पे छिपाया गया था, और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है, ये घायल हुए हैं। बहराइच जिले में 13 अक्टूबर को कथित तौर पर दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान एक धार्मिक स्थल के बाहर तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान मची अफरा तफरी में 22 साल के रामगोपाल मिश्रा की गोली लगने से मौत हो गई। इसके बाद हिंसा भड़क गई और भीड़ ने तोड़फोड़ और आगजनी की।